नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। आज सरस्वती पूजा है और पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास उल्लास के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। इसी क्रम में जेडीयू के एमएलसी रणवीर नंदन जी ने भी मां की पूजा की, अर्चना की और अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। आज सरस्वती पूजा है, क्या कुछ देशवासियों के लिए कहना चाहते हैं? सरस्वती मैं दृष्टवा बिना पुस्तक धार नहीं, हर सुभा समाज उगता विद्या दान करी ममा। आज के दिन में माँ सरस्वती से ही आराधना करता हूँ कि माँ बिहार के सभी लोगों को विद्या दान दे और ख़ास कर जो हमारा छात्र वर्ग है, युवा वर्ग है, उसमें विद्या का पूरा आशीर्वाद दें। खूब पढ़े लिखें, खूब आगे बढ़ें और चुनौतियों का सामना करते हुए बिहार का नाम रोशन करें। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने जल जीवन हरियाली अपनाई है, अभियान किया और आपने देखा होगा उसके समर्थन में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला 19 तारीख को बनी थी, 19 जनवरी को। उसका लोग परिपालन करें और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जो नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है, उस संकल्प के प्रति संकल्पित होकर हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो छात्र हैं, उसकी रक्षा करें। आज माँ शारदे की पूजा है, बस माँ शारदे से यही विनती करता हूँ कि हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने जो सामाजिक समरसता अपनाई, जो सांप्रदायिक सौहार्द अपनाया, सबका साथ सबका विकास इसको अपनाया और इन सभी मूल्यों को स्थापित करके उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है, जो आज बिहार जो है आज देश की नज़ीर बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को माँ सरस्वती का वरदान मिले, पूरी शक्ति मिले, बिहार का नाम और आगे रोशन हो और इतना मजबूत हमारे नेता बने कि कल बिहार क्या पूरे भारतवर्ष को उनकी सेवा से एक मजबूती मिले। इस साल चुनावी साल है और विकास के नाम से नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं, जो मुखिया हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? हमने तो कह दिया कि इतना मजबूत हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमने यही कह दिया जी। आज के दिन पूजन का दिन है जी। इसलिए पूजन के दिन हमें लगता है कि चुनाव पर नहीं बोलना चाहिए जी, जी। आज तो समस्त बिहार वासियों के लिए संदेश है, लेकिन जरूर इतनी माँ से आराधना कर रहा हूँ कि हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी को इतना आगे बढ़ाएं, इतना मजबूत करें। नीतीश कुमार जी माँ सरस्वती के उपासक हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को माँ इतनी शक्ति दे कि पूरा भारतवर्ष जो है उनके जीवन शैली को और उनके कार्य करने का जो तरीका है उसको अपना कर खूब विद्यावान हो भारतवर्ष के साथ, यही हमारी कामना है। सर, एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछेंगे। जेडीयू में ही बहुत ये पवन वर्मा जी थे, जो विधायक भी रहे, पूर्व सांसद भी रहे और ये पीके थे, तो प्रशांत किशोर, उनको आप किस तरीके से देखते हैं सर? कार्रवाई हो चुकी है जी, और जब कोई कार्रवाई हो गई तो इसका मतलब हुआ कि वो मैटर खत्म हो गया है जी। आज सरस्वती पूजन है जी। पूरे उल्लास के साथ हम लोग सरस्वती पूजन कर रहे हैं जी। इन बातों पर हमारा कोई ध्यान नहीं है जी। तो आपने सुना किस तरह से सर अपने बात से उन्होंने जनता को रूबरू कराया और आज सरस्वती पूजा है, उनका साथ से कहना था कि आज माँ की पूजा और अर्चना की जाती है, आज के दिन राजनीतिक बातों से थोड़ा दूर ही रखा जाए। अगर आपको इनकी बातों में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।